हाल ही में समग्र विश्व में गंभीर रूप लेने वाले मानसिक रोगों की समस्याओं से तिनसुकिया जिले के लोगों के साथ साथ आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से तिनसुकिया के माकुम रोड स्थित आरसी अग्रवाल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में केयरिंग माइंड नामक एक गुणवत्तापूर्ण आधुनिक सुविधा युक्त चिकित्सा सेवा शुरू की गई है। कई प्रख्यात चिकित्सकों के उपस्थिति में आयोजित जनसभा में इस सेवा की आवश्यकता के बारे में अस्पताल के अधिकारियों ने जनता को अवगत किया। गौरतलब है कि मानसिक बीमारी की स्थिति में पूरे भारत में अभी भी लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए आरसी अग्रवाल के अधिकारियों ने भविष्य में भी काम करते रहने का आश्वासन दिया है। केयरिंग माइंड्स तिनसुकिया में लाने के लिए ये मेरा बहुत दिन से मेरा सपना था, एक तो नेशनल लेवल पे आने के लिए और एक तिनसुकिया में आने के लिए, जो कि मेरा बर्थ प्लेस है। मैं यहीं, मेरा जन्म हुआ और यहीं मैं बड़ी भी हूँ, स्कूल कॉलेज यहीं किया है। तो ये मेरे को पता है टायर 2 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में मानसिक मतलब मेंटल हेल्थ को एकदम कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, और किसी को अगर हो गया वो तो छुपाता है क्योंकि लोग बोलते हैं पागल है, तो जो कि पूरा गलत है। जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होने से हम लोग दवाई लेते हैं और मैनेज करते हैं और ठीक हो जाते हैं, सेम वे में मेंटल हेल्थ का अगर कुछ होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आराम से या तो ठीक हो जाता है या मैनेज हो जाता है, और एक इंसान अपनी अच्छी प्रोडक्टिव ज़िंदगी बिता सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कुछ हो गया तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो गया उसका लाइफ ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग इसके ज़रिए यही बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि लोग आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएँ। बहुत कोविड पैंडेमिक समझे चैलेंजेस आम्ही फेस करतोय छोड़ो ना, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, मेरा भी नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो आम्ही जेने जो एन जी ओ माध्यम काम करी असेल मेंटल गुरुत्वपूर्ण विषय असे काम करतो। मी लास्ट इयर 153,000 सुसाइडल डेथ হৈছে, মানুহক আমি হেণ্ড হোল্ডিং কৰিব লাগে, ভালকে কাউন্সেলিং কৰিব লাগে, ডিপ্ৰেশ্যন নিচিনা এটা অৱস্থাত যাব দিব নালাগে। তো তাৰ কাৰণে আমি এটা কাম অভিযান চলাই আছোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টনাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ কিবা আছে এই আগবাঢ়ি আহিছে, তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। আমি সেই হিচাপে আমার তিনসুকিয়ার গোটেখানি হেলথ কেয়ার সিস্টেম আকো ভাল করার কারণে আমি চেষ্টা করি, আর ওনার মাধ্যমে আকো একবার মানে পুনর্বার রাইজক অনুরোধ জানাইছো, কোভিডর ভ্যাকসিনেশন আসছে, আমি অলমোস্ট 95% আমি ফার্স্ট ডোজ দিয়া হয়েছে, 30,000 মান মানুষ আরো বাকি আছে, যদি আমি ইমিডিয়েটলি যদি আহি আগবাড়ি আহি ফার্স্ট ডোজ লোক আমি কোভিডর যে যুদ্ধ আছে জিতিব পারো। माकुम से ननी गोपाल दत्ता की रिपोर्ट, असमा देखते।